सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, हेल्प करें, आपके किसी भी मसले में परेशानी में, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अगर आपके ऊपर जादू है, जन्नात का साया है या इस किस्म का कोई भी मसला है, रिश्तों की बंदिश, अपने प्यारों का रूठ जाना, ये कोई भी जाएगी। और अगर आपके ऊपर जादू है, जन्नात का साया है या इस किस्म का कोई भी मसला है, रिश्तों की बंदिश, अपने प्यारों का रूठ जाना, ये कोई भी ऐसा मसला हो, जरूर हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी ये बहन आपका भरपूर साथ भी देगी और आपको सीधा रास्ता जो है वो भी बताएगी, और साथ में जो अल्लाह का कलाम है उससे मदद लेना, वो तरीका भी आपको बताया जाएगा। इंशाल्लाह जरूर आप कीजिएगा। आज के बहुत प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा वजीफा है जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। ये वजीफा हम कर किस ले सकते हैं, ये वजीफा हम, आप चाहते हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करे, प्यार करे, आपसे मुसख़र हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही ये वजीफा आपके साथ जो है, मतलब कि आपके लिए ताकत बनेगा, आपकी जो है आपको इज्जत भी दिलवाएगा और आपकी जो है ताकत भी बनेगा। और शोहर, सास, ससुर, इवन हर कोई, मतलब कि आपकी इज्जत भी करेगा, चाहत भी करेगा। बहुत आजमूदा ये वजीफा है, मियाँ बीवी के लिए भी ये वजीफा बहुत ज्यादा जो है मायने रखता है। अगर लड़ाई झगड़ा है, तलाक तक का मसला है, तो ये वजीफा जरूर करें। आपसी इख्तलाफात जो उनसे होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देखो अल्लाह पाक को सबसे बुरा अमल जो है वो तलाक का लगता है, क्योंकि तलाक जो होती है या नाराजगी में अगर कोई ऐसे मियाँ बीवी के ऐसा मसला होता है तो वो तलाक तक पहुंच जाए और अल्लाह ताला को ये नापसंद है, क्योंकि ये दो खानदान तबाह हो रहे होते हैं और इवन इसमें छोटे मासूम बच्चे अगर हैं तो वो भी, उनकी भी जिंदगी जो है बर्बाद हो रही होती है। तो इस चीज का बस ख्याल रखा जाता है, तो कोशिश किया करें कि कभी ऐसा ना हो। सूरह कौसर, सूरह कौसर को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। पीर वाले दिन पढ़ सकते हैं, जुमे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन और बुधवार दिन आप ये पढ़ सकते हैं। इतवार वाले दिन आपने ये अमल करना है तो इतवार वाले दिन भी आप करें, ठीक है। तो पीर वाले दिन जो उनसा है सूरह कौसर को कम से कम 313 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना आपने, अगर आपके फैमिली मेंबर आपके पास ही हैं तो चीनी के ऊपर दम करके, तो चीनी जो उनसी है आप अपनी फैमिली को खिला सकते हैं, और चीनी के ऊपर पढ़ाई करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के और आप जो है अपनी फैमिली मेंबर्स को खिला सकते हैं। आपसी मोहब्बत के लिए अगर आपका कोई प्यारा आपसे दूर है तो चीनी दम करके, तो अगर आप हशरात को खिला दें, जैसे चूटियां होती हैं, चिड़िया होती है, ये इस तरह आप उनको खिला दें, यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम इतना होगा, रिस्क भी आएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। ये वजीफा लाजिम करें, और ये वजीफा आपने करना कितने दिन है, कम अज कम 3 दिन ये वजीफा या 7 दिन ये वजीफा करना। चीनी एक ही रखें, चेंज ना करें, 7 दिन के बाद वो चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत मोतबर तरीका है, आप जरूर जो है आप इस्तेमाल करें। इसके बाद में आपको सुरमा बनाने का तरीका, जो काजल बनाने का तरीका है मोहब्बत का, सूरह कौसर का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अपना ख्याल